फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ ये इस शेप का। मैं बोनसाई का प्लांटर बनाने वाली हूँ, बोनसाई पॉट। सो फ्रेंड्स, मतलब इस ऐसा शेप देने वाली हूँ जो मैंने ये लिया है। देखो, ये इसके अंदर शेप दूंगी इसका। तो ये पसला ले लिया है, मेरे पास यही अभी फिलहाल अवेलेबल था तो मैंने ये ले लिया है। और उसके लिए एक पॉलीथिन चाहिए, फिर दूसरी पॉलीथिन एक चाहिए। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर आपने मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्योंकि फ्रेंड्स, बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसको इस तरह से बनाएंगे। थोड़ा ज़्यादा हवा आ रही है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, मेंटेन हो जाएगा। आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको सिर्फ इस तरह से, ये मैंने सीमेंट ज़्यादा, मतलब आधा सीमेंट आधा रेत लेकर रखा है। क्योंकि ज़रा बोनसाई में ज़रा अच्छा लुक आना, ज़्यादा रेत नहीं लेंगे। क्योंकि जैसा कि सीमेंट वाले बेचने वाले अपन बनाते हैं, उस तरह का नहीं लूँगी मैं। मैंने ज़्यादा सीमेंट आधा रेत का रेशो बना के रखा है, क्यों इससे ज़रा लुक अच्छा आएगा। क्योंकि मैं प्लांटर, लॉन्ग प्लांटर नहीं बना रही हूँ, और ये बना रही हूँ, ये बोनसाई पॉट बना रही हूँ। इस वजह से आपको ये ज़रूरी है कि मतलब थोड़ा सॉफ्ट और अच्छा बने और चिकना बने। तो ये मैंने इसको भिगा के रख लिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको इसमें रख देंगे। उसके बाद ये सुराख के लिए, होल के लिए इसको रख देंगे बीच में। अगर ये बीच में नहीं रखेंगे तो मतलब होल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्लांटर में होल रहना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो इस तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा गीला गीला रहेगा तो ये शेप देने को आसान होगा। मैंने कई प्लांटर बनाए हैं, और पहले भी मैंने एक बाल्टी का प्लांटर बनाया था जो मैंने आपको पेंट करना बताया है। सिर्फ वो मेरा पता नहीं कहाँ चला गया, किसने डिलीट कर दिया, हो सकता है, बता नहीं सकते। तो मैंने सिर्फ पेंट करना बता दिया है आप लोगों को। तो इस तरह से और भी मैंने उसमें नीम बोनसाई लगाया है फ्रेंड्स। ये इसकी थोड़ा थोड़ा दीवारों से ऐसा कर लीजिए, क्योंकि अब जब ये शेप देने के लिए ये रखेंगे तो उतना मुश्किल नहीं होगा जितना के इस तरह से रख लेंगे, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब ये दूसरी पन्नी को रखेंगे फ्रेंड्स इस तरह से। थोड़ा और रख लेंगे, इस तरह से। ये देखिए, अब जब बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, उसके बाद इसको सूखने के लिए भी रखना पड़ता है फ्रेंड्स। एक दिन का टाइम होना, उसके बाद फिर पेंट करना रहता है फ्रेंड्स। पेंट करे तो और ज़्यादा सुंदर लगता है, उसकी ब्यूटी, पेंट के बाद ब्यूटी अच्छी आती है।
अब ये इसको इस तरह से रख के इस तरह से दबा देंगे। देख रहे हैं आप, ये देखिए ये आ गया है इस इधर, और साइडों से अगर थोड़ा और चाहिए तो इधर साइडों से डाल देंगे हम इस तरह से। ये देखिए ये एक बहुत अच्छा प्लांटर बन के तैयार होगा, बॉन्साई प्लांटर। इस साइडों से इस तरह से आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो बास्केट, एक रहती है बास्केट भी आप ले सकते हैं, वो उसे भी बना सकते हैं, वो चाइना बाजार में देखिए आप बास्केट मिलती है बढ़िया प्लास्टिक की, उसका शेप भी दे सकते हैं आप। मैंने इसका डिश का शेप दिया है, आप चाहें तो उसकी ट्रे का शेप दे सकते हैं। ट्रे लेके ये देखिए हो गया, ये इस साइड, अब ये इस साइड से भर रही है। मैंने मिनी पॉट बनाया है, एक 4-5 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा, 5-6 इंच लंबा, उस तरह का। मैं बताऊंगी इसके साथ ही, मैं बताऊंगी जब वो पूरा बन के ये तैयार हो जाएगा, जब मैं इसको दूंगी बताऊंगी शो करूंगी तब ये आपको मैं वो भी बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इस पे वजन रख दूंगी। तो मैंने चूज किया है यहाँ पे वजन के लिए, ये मेरा धूप में रखा हुआ है एलोवेरा, ये मैं रखूंगी इसके ऊपर इस तरह से, और सूखने का वेट करेंगे इस तरह से। आ गया चारों तरफ, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए भी जब ये सूख गया, इसको अच्छे से पानी दिया, उसके बाद मैंने ये पेंट किया है, ये देखिए, और मैंने इसके पैर भी लगा दिए हैं, दिख रहा है आपको, ये देखिए ये पैर लगा दिए मैंने, पैर पे भी थोड़ा सा पेंट मार दिया है। और ये मैंने 3 कलर, पहले ब्लैक धारियां मारी हैं, फिर उसके ऊपर से रेड रेड मार दिए, तो ये देखो थोड़ा सा ट्रेंडी हो गया। देखिए, देख रहे हैं आप, देखिए नीचे का मैं दिखा दी आपको फिर जरा अच्छे से। आपका टाइम ज़्यादा नहीं हो, हर किसी को आजकल ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैंने ये देखिए अब मैं इसमें प्लांट लगा दूंगी। अब ये प्लांट लगाने के लिए तैयार है, मैंने 3 पैर लगाए हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। तो आप भी ऐसा बना सकते हो, घर में पैसे बचा सकते हैं। आजकल लेने जाओ तो कोई भी चीज़ महंगी आती है, ऐसी कोई भी सस्ती नहीं आती है। और यहाँ से अंदर से भी देखिए, मैं 2 सुराख है, क्योंकि ये बॉन्साई पॉट है, तो मैंने इसमें 2 सुराख किए हैं। और ये देखिए अंदर से इस तरह का दिख रहा है, देख रहे हैं आप, ये देखिए प्लांट लगा दूंगी, ये देखिए। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले रही हूँ आपका, आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद प्लांट लगाते हैं इसमें।
देंगे। ये है सकुलेंट प्लांट है, क्रासुला का। क्रासुला एक सकुलेंट प्लांट है और ये क्या बोलते हैं, इसमें लगा हुआ था तो मैं सोच रही इसमें सही से सरवाइव नहीं कर पा रहा है, ग्रोथ अच्छी नहीं रह रही है, तो मैंने ये इसकी बॉन्साई सॉइल बनाई है और इसको इसमें लगा दूंगी। ग्रास वाला है, अच्छे से बढ़ेगा इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर ये रख दे रही हूँ होल के ऊपर और मिट्टी फिल्स कर दूंगी। एक्चुअली ये क्रासुला को ज़्यादा वाटरिंग नहीं होना, तो वाटरिंग होल्डिंग होल्ड जो करते हैं मिट्टी, वो उसको नहीं चाहिए। मैंने ये सैंड में लगा रही हूँ। मैं देखिए, तो मैं थोड़ा सा साइड में लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से थोड़ा और ऐसा होल कर लेती हूँ इसकी, इस तरह से इसकी। देखिए ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं चल रही है इसकी, तो मैं इसको हटा देती हूँ इसकी सॉइल को और इसके बाद ये लगा देती हूँ इस तरह से। ये स्टेबल, अभी इसने मिट्टी को अपनी छोड़ दिया है ना, तो ज़रा स्टेबल होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही। मिट्टी फिल कर देते हैं। ये देखें इस तरह से ये स्टेबल होगा। ऊपर से कोई पेबल्स है तो वो डाल देंगे। एक साइड में ही लगाया मैंने, तो ये थोड़ा सा इसमें सरवाइव करेगा। अब मैं पानी डाल दूंगी फ्रेंड्स। एक बार इतना डालिए कि नीचे से होल से निकल जाए। उसके बाद ये तो प्लांट वैसे 8 दिन भी अगर डाल 8 दिन भी पानी नहीं दिए तो चलता है। सकुलेंट प्लांट है, जब तक इसकी मिट्टी सूख नहीं जाए जब तक पानी नहीं देते हैं इसमें। ये देखिए नीचे से निकलने लगा है। ये देखिए नीचे से आ गया है पानी, तो बस। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप भी बनाइए घर में सीमेंट पॉट। और आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए फ्रेंड्स। जब कमेंट करेंगे आप तो पता चलेगा कि हाँ आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं फ्रेंड्स। सो बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय।